मंदिर के बारे में और उसके रेस्टोरेशन के बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत करती है। हम सब के लिए संत रविदास का जीवन सामाजिक समरसता के लिए, समाज की जातिवादी भेदभाव के खिलाफ समतामूलक समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के आत्मकल्याण के लिए और एक सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो उन्होंने 15वीं शताब्दी में अपने आदर्शों को लोगों के सामने रखा और उनके अनुयायियों ने उस मार्ग पर चलते हुए सामाजिक समता के विषयों को आगे बढ़ाया और देश के करोड़ों गरीब और जो विशेष रूप से हमारे रविदासी समाज और अनुसूचित जनजाति समाज के बंधु हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में दिल्ली के तुगलकाबाद के पास स्थित जो तालाब था, वहां पर रविदास संत मत को मानने वाले संतों की कुछ समाधियां थी और उन्होंने मुगल शासन काल में इब्राहिम लोदी के समय में जिस प्रकार से सामाजिक छुआछूत के खिलाफ अपने विचारों का प्रचार किया था, उसका अनुपालना करते हुए वहां पे उनके अनुयायी लगातार उनके विचारों के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे थे। दिल्ली की एक समिति के द्वारा न्यायालय में जो निर्णय उनके सर्वोच्च न्यायालय का खिलाफ गया और उसके बाद उस स्थान को खाली कराने का काम किया गया, उसको देख करके देश के कई भागों में और विशेष रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बड़ी संख्या में श्री रविदासी समाज के अनुयायियों के मन में एक दुख की भावना उपजी। सरकार ने उन भावनाओं को समझा और सरकार के द्वारा पहल की गई, न्यायालय में न्यायालय के निर्णय से भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सभी पक्षों को बैठाया और एक अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सामने प्रस्तुत करी जिसको न्यायालय ने स्वीकार किया। जो स्थान पे भूमि उपलब्ध थी उससे दुगनी भूमि और संत रविदास के स्मृति में जो पोखर है उसके संरक्षण, उस सप्ताह के उस जगह के संरक्षण और उनके बने हुए स्मृति मंदिर के पुनर्निर्माण के विषय को न्यायालय द्वारा जो मंजूरी दी गई, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो सबसे दुखद पहलू है वो दुखद पहलू ये है कि कांग्रेस और आप पार्टी के द्वारा इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया। आप पार्टी के द्वारा आंदोलन को हर स्तर पर भड़काने का प्रयास किया गया, अनर्गल बयान दिए गए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया। हम आप पार्टी के इस प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक द्वेष को बढ़ाने वाले जो उन्होंने जिस प्रकार के विद्वेषपूर्ण भाषण और जिस प्रकार के विद्वेषपूर्ण तरीके से सामाजिक तनाव को कम करने की बजाय उसको समाप्त करने की बजाय लोगों को अनावश्यक बरगलाने का काम किया, उसकी निंदा करते हैं। हमारा मानना है कि दिल्ली भारत की राजधानी नहीं,
दिल्ली भारत के विविधता में एकता के सांस्कृतिक प्रवाह को प्रस्तुत करने वाली देश की संवेदनशील लोगों के साथ जीने वाली करोड़ों लोगों के स्थानों को मनों को प्रतिनिधित्व देने वाली जगह है। या कोई भी राज्य सरकार इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं कर सकती और कांग्रेस के द्वारा भी पंजाब में और सब जगह इसको लेकर अनावश्यक बयान दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि संत रविदास की परंपरा इस देश में सामाजिक भाईचारे को मजबूत करने वाली परंपरा है और हम सब जानते हैं कि संत रविदास जी का जन्म और उन्होंने जो अपना शरीर छोड़ा वो वाराणसी में छोड़ा। हमारी सरकार ने भी हमेशा उनके जीवन को बड़ा बनाने के और उनके विषयों को और उनके जीवन के दिखाए हुए मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किए। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में स्थित रविदास मंदिर में जाकर अपना माथा टेका था और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रविदास जी के प्रति, उनके सामाजिक विकास के प्रति जो विचार हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस दिए गए निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करती है। इस आंदोलन के दौरान जो नौजवान आंदोलन के अंतर्गत जेल में गए वो भी रिहा हुए हैं, न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा उसका समाधान किया जाए ऐसी हमारी अपेक्षा है। भविष्य में ये द्वेषपूर्ण राजनीति बंद हो ऐसी हमारी अपेक्षा है और आप पार्टी और कांग्रेस लोगों को तोड़ करके राजनीति ना करे यह भी हमारी अपेक्षा है। बस हो गया। आपके कोई प्रश्न हो इससे संदर्भ में? आरएसएस के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि भारत में दलित के बजाय अनुसूचित जाति शब्द को प्रयोग किया गया है, इसमें पार्टी और सरकार से क्या राय है? हम सभी भारतवासी हैं, सब भारतवासी हैं, भावना वही है। ये एक संवेदनशील मामला था, ये सच है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय में इसको हटाने का विषय था वो उस समिति के वकील के द्वारा ही दिया गया था। उस समय सरकार कहीं बीच में नहीं थी, उनके जो सीनियर अधिवक्ता थे उन्हीं के बयान में उन्होंने हटाने की बात कही थी, क्योंकि हाईकोर्ट में एक राउंड की लिटिगेशन के बाद वो हार गए थे। और जब ये विषय आया और इस प्रकार से जो उस समय जो समिति थी उसके द्वारा जब ये मुकदमा हारा गया, लेकिन जब इसकी संवेदनशीलता और देश के करोड़ों लोगों की भावना इससे जुड़ी हुई एकदम सामने आई तो सरकार ने फैसला लिया कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के लिए इसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में लंबित था, हम आग्रह न्यायालय से ही करते थे, न्यायालय ने ही अटॉर्नी जनरल की कमेटी को बनाया, उनकी कमेटी की संस्तुति के आधार पर सरकार के पक्ष के आधार पर जो निर्णय आया है इसका हम स्वागत करते हैं। मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, आपके पास कोई वीडियो है तो पहुंचाइए, हम उसका जवाब देंगे। मुझे मेरे मोबाइल पे नहीं है। अब बाला साहब थोरात खुद अपनी सीट में भी अभी कमजोर पड़ रहे हैं संगम नेर की सीट पे, ये उनकी हताशा है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमेशा इस मामले का अवलोकन किया गया है ईवीएम का। चुनाव आयोग के द्वारा भी ईवीएम पे सब राजनीतिक दलों को हमेशा उन्होंने पूरा आमंत्रण दिया है। ये एक ऐसा विषय है जिसका समाधान हो गया है,
अब कांग्रेस वालों के कुछ बयान केवल राजनीतिक हताशा में आते हैं तो उनको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।